92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आज का शहर का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं मैं अनूप जलोटा, आ चुका हूं आपके साथ। और आज के कार्यक्रम में तो एक इतना सुंदर भजन है जो मेरे मन में इतना बसा हुआ है, उससे मैं शुरू करने वाला हूं, जो भजन आपके मन में भी बसा हुआ है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जैसे तूने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में तारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। तो ये आपने सुना भजन, ये शर्मा बंधु ने गाया था और बहुत लोकप्रिय भजन हुआ, जयदेव जी का इसमें संगीत था। तो आज इस भजन को आपने सुना, इसका आनंद लिया, मैं जानता हूँ आप सभी को ये भजन बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो इसके बाद अब आप सुनिए आज का पंचांग, और थोड़ी देर में आपके पास फिर आता हूँ, एक भजन सुनाऊँगा और उसके अंदर से ढूंढेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम अपने जीवन में अपनी आदत बनाने के लिए अवश्य ये काम करना चाहिए। आज है 13 मई यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी दिन बुधवार और नक्षत्र शट अभिशा। और अब एक ऐसा भजन आपको सुनाता हूँ जो मैंने अपने पिताजी से सीखा था, बड़े प्यार से वो इसे गाते थे। हर पंक्ति में एक शिक्षा है, हर पंक्ति में एक ऐसी चीज है जो हमें अपने जीवन में उतारनी है और हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिनके द्वारे पर गंग बहे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया, तिन कूप का नीर पिया न पिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन काम किया परमारथ का, जिन काम किया परमारथ का, जिन काम किया परमारथ का, तिन हाथ से दान दिया न दिया, तिन हाथ से दान दिया न दिया, रे जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे।
जिनके द्वारे पर गंग बहे तिन कूप का नीर पिया न पिया, जिन काम किया परमारथ का तिन हाथ से दान दिया न दिया, जिनके घर एक सपूत भयो तिन लाख कपूत भया न भया। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो हो पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि बच्चों को अच्छी तालीम दी है, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उनके लिए धन जोड़ने की जरूरत कहाँ है, स्वयं कमा लेंगे। लेकिन उसके साथ ये भी कह दिया कि जो हो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि बच्चे अच्छे नहीं है, संस्कार आपने नहीं दिए, शिक्षा नहीं दी, तो उनके लिए धन जोड़ने की जरूरत क्या है, वो तो बर्बाद कर देंगे। तो किसी भी अवस्था में धन को जोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे कामों में लगाने की जरूरत। जिन मात पिता की सेवा करी तिन तीर्थ व्रत किया न किया। क्या क्या शिक्षाएं हैं, क्या क्या चीजें इसमें है जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, सब कुछ अपना सकते। इसको ध्यान से मनन कीजिए इस भजन को, और एक अच्छी आदत शुरू करिए जीवन में, देखिए कितना सुंदर आपका जीवन हो जाता है। तो इस भजन के बाद में आपको लेके चलता हूँ श्री महालक्ष्मी मंदिर मुंबई। जी हाँ, ये वो मंदिर है जहाँ हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी कृपा करिए लक्ष्मी जी। आज हम आपको ले चल रहे हैं श्री महालक्ष्मी मंदिर मुंबई। कथा इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुंबई में एक बार मुगल लुटेरों ने हमला कर दिया। एक बहुत सुंदर मंदिर था, बड़ा भव्य मंदिर था। जब वो उस ओर बढ़े तो वहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने वहाँ की जो तीन बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ थीं, माता लक्ष्मी की, माता काली की और माता सरस्वती की, उनको उठाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि लुटेरे उन्हें न लूट के ले जा सके। उसके बाद की कहानी ये है कि लॉर्ड हॉर्नवी मालाबार हिल और वर्ली को कनेक्ट करना चाहते थे। ब्रिटिश राज था उन दिनों, और उन्होंने एक गवर्नमेंट इंजीनियर को काम दिया, उनका नाम था श्री प्रभु। श्री प्रभु ने अपना काम शुरू किया, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो वर्ली से आगे कंस्ट्रक्शन बढ़ ही नहीं रहा था। नीचे ऐसी तीन चट्टानें थीं जो उस काम को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। श्री प्रभु बहुत परेशान थे, कई दिनों से काम रुका हुआ, आगे नहीं बढ़ रहा। चिंता में रात को सोए तो रात में महालक्ष्मी माता उनके सपने में आई और कहने लगी कि श्री प्रभु, ये जो तीन चट्टानें हैं जो ये रास्ता रोक रही हैं, ये हम तीन माताएं हैं। ये मैं हूं, माँ काली है और सरस्वती है। तुम ऐसा करो कि तुम इन्हें तीनों चट्टानों को निकालो और किसी ऊंची जगह स्थापित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। श्री प्रभु ने ऐसा ही किया, तीनों चट्टानों को निकाला, ऊंचाई पर स्थापित कर दिया और काम बड़े आसानी से पूरा हो गया और मालाबार हिल और वर्ली को कनेक्ट कर दिया गया। लॉर्ड हॉर्नवी श्री प्रभु से बहुत खुश हुए, कहने लगे तुमने इतना सुंदर काम किया है, मांगो तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। श्री प्रभु ने कहा, मुझे एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए बस। लॉर्ड हॉर्नवी ने कहा ठीक है, और वही जमीन के छोटे से हिस्से पर श्री प्रभु ने उन तीनों मूर्तियों को स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों मूर्तियां जीवंत मूर्तियां हैं। आप उनके दर्शन करिए, आपको लगेगा कि आप सच में महालक्ष्मी माता, काली माता और सरस्वती माता के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के समय पर यहाँ पर तीनों माताओं के लिए तीन तीन दिन समर्पित किए जाते हैं और नवरात्रि का मेला लगता है। आप भी श्री महालक्ष्मी मंदिर जाएं और तीनों माताओं के जीवंत दर्शन कीजिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करिए। मित्रों, इस प्रकार के स्थान हम आपको बताते रहते हैं। हम चाहते हैं कि यदि आपके भी जानकारी में कोई ऐसा स्थान हो जिसे आप चाहते हैं कि दुनिया जाने, तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर मेल कर दीजिए। हमारा मेल आईडी है bigfm@reliancebroadcast.com, bigfm@reliancebroadcast.com। हमें जानकारी दीजिए किसी ऐसे स्थान की जिसको हम सारी दुनिया को बता सकें कि ऐसे ऐसे स्थान हमारे देश में हैं जहां आप जाइए और आपका जीवन एक सुंदर मोड़ ले लेता है, सुंदर हो जाता है। तो आपने सुना श्री लक्ष्मी मंदिर मुंबई के बारे में, और अब आपको मैं ले चलूंगा एक बहुत अच्छे कलाकार से मिलाने। आप हैं श्री प्रवीण खन्ना, और आज हमारे साथ हैं बहुत अच्छे गायक संगीतकार श्री प्रवीण खन्ना, फिल्म निर्माता भी हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 92.7 बिग एफएम शहर कार्यक्रम में आने के लिए। अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्लोक है संस्कृत का, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मुखौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभम। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता,
उचित स्थान पर लगाने वालों की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे आज एक उचित स्थान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका तो हक है, आप इतने गुणी व्यक्ति हैं, आपका हक है खन्ना जी। तो आप ये बताएं कि ये संगीत का चक्कर कैसे शुरू हो गया जीवन में? ये पिछले जन्मों के कुछ संस्कार होते हैं जिसकी वजह से संगीत ब्लड में आ जाता है अपने आप। जी जी जी, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो तो पूरी तरह से व्यापारी लोग, मुझे पता है कपड़े का व्यापार हमारा। आपने वो आशा जी वाला गाना तो सुना ही है ना, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार दे, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। और मेरे हिसाब से अनूप जी, कोई वक्त अच्छा बुरा नहीं होता, क्योंकि एक शेर बचपन में मैंने सुना था जिसने मुझे एक जिंदगी में माइलस्टोन दिया जीने के लिए। वो शेर था, पता नहीं किसका है, उनको प्रणाम मेरा जिनका भी है। ए बुलबुलो खिजां में भी शुक्र खुदा करो, ए बुलबुलो खिजां में भी शुक्र खुदा करो, तिनके कहां से लाओगी मौसम बहार में। हाय हाय हाय, क्या बात है क्या बात है। प्रवीण खन्ना जी हमारे साथ हैं, कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं। तो अब हम इनसे दरख्वास्त करेंगे, जल्दी इनको पकड़ के लाते हैं और इनसे सुनते हैं एक भजन। हाँ जी प्रवीण जी, हो जाए। सच्चाई ये है कि मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं किया, सबसे पहली रचना है ये मेरी जो मैंने बहुत साल पहले लिखी और माँ सरस्वती ने अपने आप लिखवाई। बहुत अच्छा, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हंस वाहिनी माँ शारदा, वीणा पुस्तक धारिणी, विनती को स्वीकार करो माँ, विद्या से भव तारिणी। वाह वाह वाह, ज्ञानशील भक्ति विवेक का हम सबको वरदान मिले, पाप ताप संताप से मुक्ति का मानव को दान मिले। वरदो शारदा माता, वरदो शारदा माता। वाह प्रवीण खन्ना जी, क्या बात है, वाह वाह, क्या रचना आपने सुनाई है। वरदो शारदा माता, सारे देश में जहाँ जहाँ सैर कार्यक्रम सुना जा रहा है, वरदो शारदा माता ही गूंजायमान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मित्रों अभी आप सुन रहे थे प्रवीण खन्ना जी को, और अब मैं आपके पास एक भजन लेके आऊंगा। तो आपने प्रवीण खन्ना जी का आनंद लिया, इनको सुना। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे सहर कार्यक्रम में 92.7 बिग एफएम पर। मैं अनूप जलोटा हाजिर हो जाऊंगा, मत भूलिएगा सहर कार्यक्रम सुनना, क्योंकि मुझे आप सबसे कल सुबह फिर मिलना है। नमस्कार, सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7।